हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि हम एमसीक्यू सीरीज को लाने वाले हैं, जिसमें एक क्लास ट्वेल्थ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, उनके लिए हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मैंने लिया है और अभी फिलहाल फिजिक्स का लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम करेंगे, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एमसीक्यू करने। देखिए, एमसीक्यू कुछ अलग चीज़ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बस उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट इस पे से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज भी आएंगे, जो मैं सीरीज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ छूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम हर चैप्टर को कर रहे हैं, मैं रैंडमली नहीं उठा रहा क्वेश्चन को। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ कि किन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, उन्हीं को मैं डाल रहा हूँ। तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही और आपकी समझ बनेगी, ये बड़ी बात है। तो इसलिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि एक डिफरेंट नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक में आप इनको नोट करते हुए चलें, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत कुछ कर चुकेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, प्रणव पांडे मेरा नाम है। यूट्यूब में भी आप वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं, मोर देन 570 प्लस वीडियोस में डाल चुका हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए करता हूँ मैं। ठीक है ना, पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता है किसी पॉइंट पर। तो ऐसी बातें याद नहीं रखी जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही बात हो गई स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बात बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, सोचने के दो लेवल है, एक फिजिकल लेवल और एक मैथमेटिक्स वाला। मैंने फिजिकल से बताया बातें, अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ जिससे हम आसानी से कर सकें, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है स्टूडेंट्स, जरा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था, इट इज़ नथिंग बट E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी जो आप सोच रहे होंगे, बाई चांस आप कुछ और सोच रहे होंगे, वो निकलेगा, लेकिन ये बेसिक है, इसे आपको आना चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट कूलम्बिक चार्ज। कोई यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अगर आप देखें, आप जानते होंगे कि इस फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, जहां पर क्यू आपका सोर्स चार्ज है और क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है जो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब इन वैल्यूज को अगर हम इस बेसिक फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, यस। तो स्टूडेंट्स, उस समय फॉर्मूला निकल के आएगा, E इज इक्वल टू F की वैल्यू जब आप इधर डालेंगे तो K Q Q नॉट अपॉन यहां पर R स्क्वायर। ये तो मैंने इतनी वैल्यू लिख दी किसकी स्टूडेंट्स, यस, इस F की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी है। अभी हमें लिखना है नीचे पर Q नॉट, क्लियर है इतना? ये कुछ नहीं हुआ, इतनी वैल्यू फोर्स की है और पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज, यानी इससे डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट जो स्टूडेंट्स आपका यहां पर आ रहा है वो है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर ओनली। ये आपका रिजल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके सेंस भी मैं आपसे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस बारे में भी। पहले आप ये देख लीजिए क्या रिजल्ट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है एक तो उस डिस्टेंस पर जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में है, जो उनका सेपरेशन डिस्टेंस है। दूसरी बात, ये डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज के अमाउंट पर। इसको थोड़ा डिस्कस भी मैं करना चाहूंगा आपसे। देखिए जरा, देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ इस पर, ठीक है? और देखिएगा जरा, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ, ये हो क्या रहा है एक्चुअली ना, ये बात है क्या, ये ऐसा कुछ है कि एक यहाँ पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज है लेट से, जिसकी मैं सोर्स चार्ज इसको मैं कह रहा था। इस सोर्स चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर, लेट से इस पॉइंट पर जब हम आते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज को हमने रखा एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या एक्सपीरियंस करेगा ये? फोर्स। ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू पर रिपल्सिव फोर्स मारेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक इस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड जैसी चीज है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना? बस हो गया। यानी कि जैसे यहां सोचिए फायर है यहां पर लगी हुई और यहां पर आप हैं, आपको महसूस हो रहा है हीटिंग इफेक्ट। जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे हीटिंग इफेक्ट कम होता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे आपका ये आर डिस्टेंस बढ़ता रहेगा आपका इफेक्ट कमजोर होता रहेगा। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हो रही है। जैसे जैसे आपका ये आर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने लग जाएगा, इनवर्स रिलेशन,
है ना। और दूसरी बात एक और ध्यान रखने वाली है, मैं फॉर्मूले को रिलेट कर रहा हूँ, वो ये कि स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पर महसूस होने वाली हीट जो है क्या वो इस क्यू नॉट के कारण होगी क्या? अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हो जाए, यहाँ आग लगी है, तो वो अगर यहाँ ना भी हो तो वो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर है। इसका मतलब जो इन इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं इस चीज़ से जो यहाँ खड़ी है, इस पर्टिकुलर केस में वो टेस्ट चार्ज है। तो वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं सोर्स चार्ज पर। सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। आप रिलेट करें, कोरिलेट करें। सिमिलरली जितना ये कमज़ोर होगा फील्ड के इफेक्ट भी उतने कमज़ोर होंगे। अगर आग यहाँ थोड़ी लगी है इफेक्ट भी कम आएंगे, दैट्स इट। तो यही बात स्टूडेंट्स आपको कही गई है। अगर आप ओवरऑल देखें कहा क्या गया था, इसको हम देखते हैं जरा, ऐसे में देखें आप इसे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो आप समझ गए, टेस्ट चार्ज पर तो बिल्कुल नहीं करता, हमने देखा नहीं करता। बोथ क्यू एंड क्यू नॉट, क्या क्यू और क्यू नॉट दोनों पर करता है? नहीं, हमने पहले ही बोल दिया क्यू नॉट पर करता ही नहीं है, तो दोनों पर कहाँ से करेगा। नीदर क्यू, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, ये देखिए क्यू पर, क्योंकि सामने कितना इफेक्ट महसूस किया जाएगा डिपेंड करेगा जो इफेक्ट दे रहा है उस पर, सोर्स पर, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरी बात स्टूडेंट समझिए, मैं क्यों आपसे डिस्कस करा मैंने इतना कुछ पहले क्वेश्चन में, इसलिए ना ताकि कड़ियाँ उसी से जुड़ी रहती है। अब देखें इस क्वेश्चन को, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं, मैंने अभी कहा आपसे जस्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, जस्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट कूलम्बिक चार्ज होता है, और ये किसी पॉइंट टू पॉइंट बदलता रहेगा। किसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, वेरी गुड, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। स्टूडेंट थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक बात कि इनमें मैं डिटेल लेक्चर्स डाल चुका हूं, मैं थोड़ा सा अभी क्विकली भी कह सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ भी कहना है, है ना, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कह सकता हूँ, स्पीड को अपने हिसाब से मेंटेन कर ले, कम ज़्यादा लगता है जो भी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज, दैट्स इट। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, इसकी यूनिट कूलम्ब हो गई, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज राइट, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, पूछे ही गए होंगे ऐसे क्वेश्चन, तभी मैंने लिए हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्जेस, हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिंगल चार्ज से, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, तो पता चला अच्छा इस बारे में बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस तरह की सिमेट्री रखता है, क्या सिमेट्री रखता भी है कि नहीं रखता, यानी एसिमेट्रिक तो नहीं होता कहीं। तो हम देख लेते हैं इस बात को थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज ने एक स्फेरिकल रीजन में, क्योंकि देखिए मैं स्फेरिकल क्यों कह रहा हूँ, रीजन ये है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, अभी मैंने दिखा भी दिया आपको एज अ प्रूफ करके दिखा दिया व्हाई इट इज सो, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, आर कुछ और नहीं उस पॉइंट तक का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस होता है जहां पर आप चीज एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी जहां आपका क्यू नॉट चार्ज है, इन शॉर्ट में ये आर होता है। मुझे स्टूडेंट एक बात बताएं, अगर इस पॉइंट पर, इसकी टिप पर अगर मैं कहूँ ये चार्ज है, तो यहाँ से आप आर डिस्टेंस यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, कहीं भी जाएं, मैथमेटिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, क्योंकि वो क्यू पर डिपेंड करता है, क्यू फिक्स है अपनी जगह पर, उतना ही सोर्स सेम है। दूसरी डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, अगर मैं कम डिस्टेंस पर जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम महसूस होगा, ज़्यादा दूर जाऊँगा ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन आप सोचें कि आप एक फुटबॉल के सेंटर को सोचें, सेंटर से फुटबॉल के सरफेस में हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी आर सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब जब कोई पॉइंट चार्ज होता है, ये बहुत नोटिसेबल थिंग है कि यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है ये ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, और बेसिकली यहाँ पॉइंट चार्ज भी बोलना चाहिए था, सिंगल चार्ज एक पॉइंट चार्ज ही होता है, ठीक है ना। वो तो इसका मतलब हम ये समझ गए स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल सिमेट्री रखता है, क्योंकि आर हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है स्फेयर में, अगर हम स्फेयर में बात करें, इसका मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिक इज राइट आंसर, ठीक है ना। समझ गए कि समझेगी नहीं समझा बात को, बस यही है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज
स्केलर, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये टू मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बातें। मैं आपको फटाफट क्विकली बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में जो कुछ बातें हो सकती है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया। मैं बताता हूँ इसके बारे में फटाफट जितनी रिक्वायर्ड बातें हो सकती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को सबसे पहले स्मॉल पी से लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि बहुत सारे आगे पर डेरिवेशन भी आए हैं। जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां आपके पास टॉर्क लगता है जो कि पीई साइन थीटा फॉर्मूला रखता है, वही पी है ये। आगे भी डिस्कस करूंगा इसको। बेसिकली स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? ये होता है आपका सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल वो होता है जो कि दो चार्ज को कंसिस्ट करता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन नेचर अपोजिट होता है, यानी एक माइनस और एक प्लस का होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चार्जेस यहां पर मैंने रखे हुए हैं आपके लिए, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर वेरी स्मॉल हो जाए, हम इसे 2a लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, हम ऐसा करते हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए और ये चार्जेस छोटे छोटे चार्जेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं, तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज बताने का काम करता है उसका डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट बेसिकली स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को बताता है। कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। वो किस तरफ होता है? यस, ये कन्वेंशनली हमने तैयार किया है कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज भी फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, अलॉन्ग टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में इसका डायपोल मूवमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत बार काम आएगा, मैं जस्ट इसे अभी आगे बताऊंगा आपको, दोबारा से यूज होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर बात करें, बोला गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज स्केलर, तो रॉन्ग है। नीदर वेक्टर, क्या बोला गया, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, यानी ये भी गलत है क्योंकि हमने देख लिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ दो ऑप्शंस हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमने देखा ये वाला सही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे क्योंकि कन्वेंशन है। अब कहीं ना कहीं हमने सपोज करना है अपने कन्वेंशन के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज के टाइम्स द फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन वेयर के इज। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा गया है कि बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन पर किसी डायपोल की, मैंने आपसे अभी जिक्र किया था इलेक्ट्रिक डायपोल का, बस वही बात हो रही है। जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है लेट से ओ, है ना, यहाँ से यहाँ ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ए डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में आप कहीं भी चलते हैं, वहाँ या यहाँ कहीं भी, यानी अलोंग टू द एक्सिस, अगर आप इस तरफ चलते हैं कहीं पर भी लाइन में, इसे हम एक्सियल कहते हैं, पता है आपको ये बारे में, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, एक्सियल कहते हैं इसे। और अगर स्टूडेंट्स आप देखिए, जरा थोड़ा समझिएगा, अगर आप यहाँ से चलने लग जाएं, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर होता हुआ एक डालें, एक लाइन डालें जो सेंटर से पास करती हो और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो इसे लोगों ने नाम दिया है इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये कौन है, जस्ट इक्वेटोरियल लाइन है ये। तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया कि इस एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है। बेसिकली इसका डेरिवेशन हम जानते हैं, बहुत आसानी से किया रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो बातें क्या होती है। फिलहाल मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आप समझ चुके हैं इस बात को। देखिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल में होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/4π0 2π/r³। और ये एक कंडीशन को ध्यान में रखकर लिया जाता है जब अपना डायपोल छोटा होता है वाली। सिमिलरली इक्वेटोरियल पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज के टाइम्स पी बाय आर क्यूब। ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रूविंग के लिए भी आ सकता है ये चीज कि आप प्रूव कीजिए इस बात को, ठीक है ना, ध्यान रखना आर क्यूब। बस हमें बोला गया ये के बेसिकली मेरा वो वाला के नहीं है, ध्यान रखना, ये के तो मैंने 1/4π0 के प्लेस पर लिखा है। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पी बाय आर क्यूब भी पी बाय आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ जो थिंग आपके पास बचेगी वो होगी ये टू,
ये 2, यानी आप देख पा रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं इट इज नथिंग ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 आया आपका। जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है, आप अगर गौर करें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि एक्सियल लाइन का जो रेशियो है इक्वेटोरियल लाइन के साथ वो k के इक्वल है। तो वही बात हो रही है कि एक्सियल लाइन का रेशियो इक्वेटोरियल के साथ हमारा 2 आ रहा है व्हिच इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यस, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, किसी इलेक्ट्रिक, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डायपोल से कैसा होता है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ सिंगल चार्जेस, उसका आंसर था स्फेरिकली सिमेट्रिक। यहां पर अगर आप देखें, ये भी एक अच्छी बात है, आपको समझाने लायक है थोड़ा सा, वही बात फिर से डायपोल पर आ गई है कि ये आपका माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करता है। आप जानते हैं कि इससे होकर जो जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह की होती है, यानी पॉजिटिव से चलती हैं नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से चलती हैं नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये उनका मोशन होता है कुछ इस तरह का, जानते हैं ना, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में बेसिकली, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है कि नहीं है, बस ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन को फॉलो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये 2D नहीं है, हर तरफ से जाएंगी, है ना। अगर जैसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर जगह से, अगर हम उसे विजुलाइज करें तो वो सिलेंडर के सरफेस की तरह एक फॉर्मेशन होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक फॉर्मेशन को फॉलो करती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ये आपकी उस सिलेंडर की एक्सेस है। आप ऐसा सपोज कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ इस चीज को, देखिए इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं कि ये आपका एक सिलेंडर है और ये उस सिलेंडर की एक्सिस है, ये उस सिलेंडर की एक्सिस। ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखें इस बात को कि जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं इसमें राइट ऑप्शन बेसिकली यही हो रहा है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, इसमें अपना जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो बिहेव कर रहा है सिलेंडर की एक्सिस की तरह, इसे जनरल एक्सिस की तरह, एक्सिस कहेंगे इसे। तो स्टूडेंट राइट आंसर ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल, देखिए क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डायपोल आर, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके डेरिवेशन से निकल कर आ रहे हैं, अगर आपने तरीके से किए तो डेफिनेटली आप आंसर दे पा रहे होंगे। मैं डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट जरा देखिएगा। देखिए इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया है किसी एंगल पर, यानी बेसिकली वो जो एंगल है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, आपको बोला गया व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया, देन द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डायपोल आर क्या होंगे, जीरो होंगे नहीं होंगे ये बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या होगा, मैंने आपको बताया कि इस तरह से अगर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बहुत क्लियर हो चुका है कि इस तरफ जरूर कोई पॉजिटिव टाइप की प्लेट है, यानी ये पॉजिटिव वाला सिरा है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव प्लेट है, ये समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप ऐसे रखते हैं इस पे, ये आपको याद आ गया होगा एक डेरिवेशन था इस तरह का, प्लस क्यू अगर चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है, किसी सर्टेन एंगल पर आपने रखा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये एंगल किसके बीच पे है, क्या बोला आपने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ये बात तो सही है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी दूसरी कौन सी है जिसके साथ ये एंगल बन रहा है। यस एब्सोल्युटली, वो जो एंगल बन रहा है ये है पी, पी अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले जस्ट कि पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का है नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना।
तो स्टूडेंट्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता, वो डेरिवेशन मैंने आपको कराए हुए हैं, वो आपने देखे हुए। डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ आपसे और कुछ कंक्लूजन्स आपको दूँ तो आपको समझ आएगा कि जो टॉर्क यहाँ से निकल कर आता था, इट इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, वेर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन पी एंड ई। ये जो आपका पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो चीजें हैं आपकी, इनके बीच में बनने वाला एंगल ही आपका थीटा होता है। टॉर्क ये होता है, मैं आपको कुछ क्रक्स बताता हूँ इसके। टॉर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉर्क बेसिकली है क्या, तो टॉर्क कुछ नहीं, टॉर्क जस्ट ट्राइज टू रोटेट अ इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में स्टूडेंट्स अगर आप देखें, इस डायरेक्शन में आपको एक प्लस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा इस चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उसको वहां धक्का मार रही होगी। इसी तरीके से यहां एक QE अमाउंट का ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये चीज़ इसको वहाँ, वो चीज़ इसको यहाँ पुल करना चाहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फोर्सेज आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन देयर डायरेक्शन, इट नॉट लाइंग इन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब भी स्टूडेंट ऐसा होता है देन देयर एग्जिस्ट There is the existence of torque. तो torque यहाँ generate होता है जो इस तरह से क्या करेगा, rotate करवा देगा electric dipole को, है ना। और अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो direction है किस तरफ है, yes, electric field की तरफ वो क्या कर रहा है, rotate कर रहा है उसे। तो torque का student काम यही होता है कि it tries to rotate a electric dipole within the direction of electric field। जब भी आप किसी angle पर रखते हैं electric dipole को फील्ड के साथ, तो हमेशा उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का मतलब ये हुआ कि वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इतना तो तय हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि आप किसी एंगल पर उसको रख रहे हैं, आप किसी एंगल पर उसको रख रहे हैं, इसका मतलब टॉर्क 100% लगेगा, टॉर्क लगेगा। लेकिन आप एक और बात गौर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो इसमें फोर्स की वैल्यू है, जो लीनियर फोर्स है, है ना, जिस हम अगर हम बात करें फोर्स की, वो फोर्स यहाँ पर जीरो हो जा रहा है क्योंकि क्यू ई और माइनस क्यू ई एक दूसरे को नेट कर कर जीरो कर देते हैं, है ना। जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो इस पर्टिकुलर केस में जीरो है, जबकि रोटेशनल मोशन एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि चीजें सिर्फ रोटेट हो रही है अपनी जगह पर, अपनी इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, जस्ट रोटेट, है ना, आगे मूव नहीं करेगा, आगे पीछे मूव नहीं करेगा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आएगा। वो तब आता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया बात। फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस बात में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमने देख लिया कि फोर्स जीरो है, बात सही है, ये तो सही बात है, लेकिन टॉर्क जीरो है, ये गलत बात है। ये होगा तब व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थीटा है कुछ ना कुछ। सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ही गलत हो गया क्योंकि फोर्स जीरो हो रहा है, फोर्स जीरो सही बात, टॉर्क डज नॉट, यस एब्सोल्युटली ये राइट आंसर है, ये फिर ऑफकोर्स ये गलत है, तो ऑप्शन बी इज राइट, नो सॉरी ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट है आपका। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल held at an angle in a uniform electric field is zero when theta is, simple question है, आप जरा थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। electric field ये है, इस electric field में किसी dipole को जब भी students आप place करते हैं ऐसे कर तो हमेशा ध्यान रखिएगा potential energy, जो word यहाँ पर use हुआ, potential energy तभी create होती है जब कभी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है। आप सोचें कि इसको यहाँ खींचा जा रहा था टॉर्क लगा के, हमने अभी देखा जस्ट, और फिर भी अगर ये यहीं पर अटका हुआ, जैसे ये नीचे जाना चाह रहा था लेकिन मैंने इसे पकड़ा है हाथ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ लग रहा है मैं उसके अगेंस्ट, यानी जो टॉर्क है उसके अगेंस्ट मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अगर आप सोचें कि ये कम्प्लीटली रोटेट कर अगर हम कहें कि बाई चांस ये रोटेट कर कम्प्लीटली इस तरह का पोजिशन में आ जाता है, यानी ये आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू वाली पोजीशन में आ जाता है, क्या इस पर फोर्स लगेगा, जरा देखते हैं। टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में, इस पर इस डायरेक्शन लगेगा, तो इस बार फोर्सेस आर इक्वल क्यू ई क्यू ई बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड लाइंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई, इसलिए देयर इजंट एग्जिस्टेंस ऑफ टॉर्क,
कपलिंग फोर्स काम नहीं करेगा इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए टॉर्क भी नहीं होगा। और अगर टॉर्क नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इसको यहाँ टिकाए रखने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से रख दिया जाए, प्लस क्यू वाला उस तरफ, माइनस क्यू वाला इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, तो हमेशा वो ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है, रोटेट नहीं करेगा। यानी इस पर्टिकुलर केस का मतलब ये हुआ कि जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी होगी स्टूडेंट्स? यस एब्सोल्युटली, उस समय आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। बोला था ना इसमें 0 कब होगी, तो 0 डिग्री पर होगी, क्योंकि उस समय कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है, कुछ बातें बोली गई है। अगर आप इन्हें देखें तो आपको याद आएगा सीधे ये बात कि Q इज इक्वल टू एन ऑफ ई होता है। Q आपका जो ट्रांसफर होने वाला चार्ज का अमाउंट है, ये बताता है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बताता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी कि चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो वो कैसे भी नहीं हो जाता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि उसका 2 times 3 times 4 times हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसका, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, तभी तो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज आया। ठीक है, तो द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बात तो सही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ भी किसी भी तरह का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज राइट आंसर। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इन दोनों में प्रिसाइसली देखें तो ये वाला मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपका एंड हो गया, अच्छा मैंने देखा नहीं था कि अपने 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, यही था बस जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। होपफुली मैं आपको सही से आपको बात समझ में आएगी। एक्चुअली ये फर्स्ट लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का, आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे दो बातें सोचनी पड़ रही है। एक तो ये कहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार उस तरह के स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं जिनको नहीं आ रही है बात समझ। देखिए अभी तक साल अब खत्म होने के उस पर है ना, तो एमसीक्यूज में मैं लिंक नहीं कर सकता, वो शुरुआती बात है बिल्कुल बेसिक। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं बहुत जो बातें उसकी लायक होंगी वो कह रहा हूँ, है ना। अगर आपको लेक्चर्स देखने, अभी भी टाइम है, आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, क्लैरिटी रहेगी। लेकिन मुझे लगा कि मैंने शायद सही से आपको बता दिया, आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ की इसमें कमी हो रही है, क्योंकि मैं जज नहीं कर पाऊंगा अपने आप में। ठीक है ना, तो मुझे तो लगा कि मैंने सही दिया, आपने 100% दिया है। आप मुझे इस बारे में बताएंगे किस तरह से होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये लेक्चर तो आप इसको अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक जरूर करें वीडियो को, मुझे पता लग जाएगा इनडायरेक्टली ही कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैथमेटिक्स का भी हम इसी तरह से चला रहे हैं, तो 1 by 1 करेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।